फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज का जो वीडियो है वो कल के ही वीडियो का कंटिन्यूएशन है। ये बात आपको पहले बता दें कि जो टॉपिक है वो थोड़ा सेंसिटिव होने वाला है। तो रिलीजन की बात यहाँ पर हम करेंगे और ये करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसराइल और फिलिस्तीन का जो मुद्दा है वो मोटा मोटा रिलीजन का मुद्दा है। तो इस चीज़ को समझने के बाद हम डिस्कस करेंगे कि इसराइल की गलती कहाँ पर है और इसराइल को सपोर्ट कहाँ पर मिलना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन से। तो पिछले वीडियो में जब हमने डिस्कस किया था कि इंडिया को OIC में पोजीशन मिलनी चाहिए थी जो कि नहीं मिली, और इसके बाद इंडिया ने अपने जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है इसराइल के साथ उसको मजबूत किया और अपनी एम्बेसी जो है वो तेल अवीव में खोली। तो इसमें कई लोगों का ये आर्ग्यूमेंट था कि जो OIC है वो खाली मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ के लिए है या फिर इस्लामिक कंट्रीज़ के लिए है। तो आज हम OIC को डिटेल में डिस्कस करेंगे और लोगों की जो गलत फहमियाँ हैं उसको दूर करेंगे। तो OIC को फॉर्म किया गया था 1969 में और इसको फॉर्म करने का जो कारण था वो जेरूसलम ही था। तो OIC का जो मोटो है वो इंटरनेशनल पीस और हारमोनी को प्रमोट करना है और मुस्लिम वर्ल्ड के जो इंटरेस्ट हैं उसको सेफगार्ड और प्रोटेक्ट करना है। तो अब इसका फॉर्मेशन हुआ कैसे? 21 अगस्त 1969 में एक आग लगाई गई थी अल अक्सा मॉस्क में, जो कि जेरूसलम में आता है, जिसको लेकर आज भी लड़ाई चालू हुई है। तो शुरुआत में जो इसका ब्लेम है वो ज्यूज पर डाला गया था और इसे ज्यूइश क्राइम कहा गया था, पर इसका जो एक्चुअल कल्प्रिट था वो एक ऑस्ट्रेलियन क्रिश्चियन फंडामेंटलिस्ट था। उसका नाम था डेनिस माइकल रोहान। तो इस आग में अल अक्सा मस्जिद के 800 साल पुराने पार्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो 25 सितंबर 1969 में एक इस्लामिक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें 24 मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया और वहाँ पर जो नींव है वो रखी गई OIC की। तो ऑफिशियली जो OIC है उसको फॉर्म किया गया 1972 में। तो इसके फॉर्मेशन में शुरुआत में पाकिस्तान इन्वॉल्व नहीं था। पाकिस्तान लास्ट मोमेंट में ऐड हुआ था और ख़ुद को उन्होंने ऐड करवाया था ये कहकर कि पाकिस्तान जो है वो लार्जेस्ट इस्लामिक कंट्री है। और जो OIC के फॉर्मेशन की पहली मीटिंग थी वो उन्होंने मिस करी थी। सेकेंड मीटिंग से ही उनके जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उन्होंने ज्वाइन किया था। तो हमारा या इंडिया का ये मानने का कि OIC ने इंडियन मुस्लिम्स को इग्नोर किया है, इसके पीछे कारण ये है। OIC के अंदर कई ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि सेक्युलर हैं, जिसमें टर्की, इंडोनेशिया, नाइजीरिया शामिल हैं। साथ में OIC में कई ऐसी मेंबर कंट्रीज़ हैं जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन 50% से भी कम है। एग्जाम्पल के तौर पर जो कैमरून है वहाँ पर जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो खाली 20% है, गैबॉन में खाली 10% है, मोजाम्बिक में खाली 18% है और युगांडा में खाली 12% है। वहीं पर इंडिया की बात करें तो इंडिया में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है और इंडिया प्योरली सेक्युलर है, जहां पर सबको इक्वल राइट्स हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सबके सब इक्वल हैं और ये चीज़ इंडिया के द्वारा रिफ्लेक्ट भी करी जाती है, जहाँ पर हमारे प्रेसिडेंट्स और वाइस प्रेसिडेंट्स मुस्लिम हुए हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सबको इक्वल राइट्स हैं, सबके इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होते हैं। अब सोसाइटी में वैसे क्या चल रहा हो ये अलग बात है। दुनिया में कोई भी सोसाइटी परफेक्ट नहीं है। किसी भी कंट्री में आप चले जाएं वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन है। यूरोपियन कंट्रीज़ में चले जाएं वहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन है, कहीं पर स्किन कलर को लेकर है, कहीं पर रिलीजन को लेकर है। तो सोसाइटी कहीं की भी परफेक्ट नहीं है। ये सब लोगों की मोरालिटी पर डिपेंड करता है, पर बड़ी बात ये है कि जो लॉ है उस कंट्री का, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो आपको क्या राइट देता है। इंडिया में सबको इक्वल राइट्स हैं। तो इंडिया प्राउडली एक सेकुलर कंट्री है और हमारी कंट्री के मुसलमानों को ये पूरे राइट्स हैं कि दुनिया में कहीं पर मुसलमानों पर अगर कोई मीटिंग हो रही है तो वहाँ उनके ओपिनियंस को सुना जाना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आबादी है और हमारे जो ओपिनियंस हैं वो मैटर करते हैं। पर OIC की जो हिपोक्रेसी है वो ये है कि आपने दूसरे सेकुलर स्टेट्स को इंक्लूड किया है, साथ में उन कंट्रियों को भी इंक्लूड किया है जहां पर मुस्लिम मेजॉरिटी में नहीं रहते, पर इंडिया को वहां से बाहर रखा है, और वो भी पाकिस्तान के कहने पर, क्योंकि उनके द्वारा इंडिया को एक हिंदू स्टेट बताया जाता है। तो ये बड़ी बात क्यों है? क्योंकि आज जो फैसले फिलिस्तीन को लेकर मुस्लिम वर्ल्ड में किए जा रहे हैं वहाँ पर इंडियन मुस्लिम्स के जो ओपिनियन हैं उसको कंसिडर भी नहीं किया जा रहा, जबकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन है।
तो ये सीधा सीधा इंडियन मुस्लिम्स को इग्नोर करने वाली बात है। तो आप आपस में ही कश्मीर पर डिस्कशन कर लेते हैं पर वहाँ पर इंडियंस की बात नहीं जाती। तो ये इंडियन मुस्लिम्स के लिए भी लेसन है कि अगर आपको दूर रखा जा रहा है तो वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें खुद चेंज हो रही हैं। 2019 में इंडिया की जो फॉरेन मिनिस्टर थी सुषमा स्वराज जी, उनको एज अ चीफ गेस्ट बुलाया गया था OIC मीटिंग के लिए। तो पाकिस्तान ने इसको अपोज किया और बायकॉट करने की धमकी दी और बाद में बायकॉट भी किया पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। और इसके पीछे जो कारण है वो ये है कि आज इंडिया का जो स्टेटस है, जो इंडिया की इकोनॉमी है, वो ऐसी है कि दुनिया में हमारी बात सुनी जाती है। तो आज इंडिया के ओपिनियंस मैटर करते हैं क्योंकि इंडिया ने अपने आप को उस काबिल बनाया है। तो इंडियन मुस्लिम्स को OIC का सहारा नहीं चाहिए अपनी वॉइस को आगे रखने के लिए। आज इंडिया की ये हैसियत है कि हमारी आवाज़ सुनी जाती है। वहीं पर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान OIC के लिए एक लायबिलिटी बन गया है जिसको लोन देने से सब बचना चाहते हैं। तो OIC का मेंबर ना होने के बाद भी इंडिया जो है वो फिलिस्तीन के कॉज के साथ आज तक खड़ा है। और ये बात इंडियंस को समझनी पड़ेगी कि दुनिया की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उनके फैसले हम रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे अगर वो भारत के हित में नहीं है। हमारी एक ऐसी पोजीशन होनी चाहिए कि हम जो फैसले लें वो उन ऑर्गेनाइजेशन में रिफ्लेक्ट हों। तो अब यहाँ से हम आते हैं फिलिस्तीन और इसराइल के मुद्दे पर। तो अब क्वेश्चन ये है कि इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में क्या कभी पीस आ सकती है? तो इसमें कोशिश करी गई थी। तो 1993 में पीस प्रोसेस को स्टार्ट किया गया था ओस्लो एकॉर्ड्स के थ्रू, जहाँ पर इसराइल ने PLO को, यानी कि पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को रिकॉग्नाइज किया, जिसके बदले में PLO ने इसराइल को रिकॉग्नाइज किया। तो ये जो पीस प्रोसेस है ये आगे जा सकता था, पर इससे पहले ही इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका असैसिनेशन हो गया और फिलिस्तीन की तरफ से जो चीज़ें हैं वो ख़राब करने के लिए हमास सामने आया। तो दोनों की तरफ से जो कट्टरवाद है वो एग्जिस्ट करता है और हमास का जो मोटो है वो कोई पीस एग्रीमेंट पे पहुंचना नहीं है, उनका मोटो है इसराइल को साफ करने का। तो इस आइडियोलॉजी के साथ जो फिलिस्तीन और इसराइल के संघर्ष हैं वो कभी ख़त्म नहीं होने वाले। तो अब इसराइल की गलती क्या है? इसराइल की गलती ये है कि उन्होंने अपने सेटलमेंट्स यूनाइटेड नेशंस पार्टीशन प्लान के अगेंस्ट बनाए हैं और जो सेटलमेंट्स उन्होंने वेस्ट बैंक में करे हैं वो इलीगल हैं, इसलिए इंडिया पैलेस्टाइन कॉज को सपोर्ट करता है और यहाँ पर इसराइल गलत है। अब इसराइल को सपोर्ट कहाँ पर मिलना चाहिए? इसराइल को सपोर्ट मिलना चाहिए हमास के अगेंस्ट में। हमास द्वारा इसराइल की जो मेन सिटीज़ है वहाँ पर रॉकेट दागे जा रहे हैं, सिविलियंस को निशाना बनाया जा रहा है। और क्योंकि इंडिया ये सेम सिचुएशन फेस करता है कश्मीर में, तो टेररिज्म के खिलाफ इसराइल के साथ इंडिया को खड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ लोगों का आर्ग्यूमेंट ये है कि अगर टेररिस्ट रॉकेट अटैक कर रहे हैं तो इसराइलियों को बम नहीं गिराना चाहिए पर ग्राउंड ऑपरेशन करके, जैसे कश्मीर में करे जाते हैं, टेररिस्टों को न्यूट्रलाइज करना चाहिए। ये चीज़ इतनी आसान नहीं है क्योंकि जो कश्मीर के टेररिस्ट हैं वो रॉकेट्स फायर नहीं करते और ना ही हमारे पूरे देश को अटैक करते हैं। अगर इंडिया के ऊपर भी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आएंगे जैसे इसराइल पर है, तो इंडिया का भी जो रिस्पॉन्स है वो इसराइल के जैसा ही होगा। जहाँ तक रही बात ह्यूमन राइट्स की, तो अगर आर्म फोर्सेस सिविलियन एरिया में ऑपरेट करेंगी तो बहुत मुश्किल होता है किसी सिविलियन की जान को बचाना। आप कितना भी सेफली ऑपरेशन परफॉर्म करें पर कोलेटरल डैमेज हो ही जाता है क्योंकि ये जो टेररिस्ट हैं वो सिविलियंस को एज अ शील्ड यूज़ करते हैं। कश्मीर में भी जब हमारी आर्मी ऑपरेट करती है, पहली गोली खाने के बाद भी क्रॉस फायर में कुछ सिविलियंस की जान चली जाती है क्योंकि जो टेररिस्ट हैं वो उन्हें एज अ शील्ड यूज़ करते हैं। तो दुनिया में कोई भी कहीं भी ऑपरेशन हो, अगर वो सिविलियन एरिया में हो रहे हैं तो वहाँ पर जो कोलेटरल डैमेज है उसको अवॉइड करना ऑलमोस्ट नामुमकिन होता है। तो कोलेटरल डैमेज को बचाने के चक्कर में आप अपने सिविलियंस की जान जो है वो दांव पे नहीं लगाएंगे क्योंकि आपकी खुद की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी कंट्री को लेकर। तो यहाँ पर इसराइल को सपोर्ट मिलना चाहिए। इसी बात पर इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।